नमस्कार, मेरा नाम KS राव है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मैं सोचा कि आज दोबारा मेरा चेहरा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझा। सीधा पहली के पास चले जाते हैं। ओके, ठीक है, आइए। ये भी एक मुश्किल पजल पहेली है, मैं सुना हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए दो तीन ट्रिक्स मैं बताऊँगा, बताना चाहता हूँ। तो इसको मेरा सुझाव यह है कि आप इसको पहले एक कागज़ पर कॉपी कर लीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए। आप, मैं समझता हूँ आप हल कर पाएंगे, काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देख चुके हैं आप, इसलिए कर पाएंगे। उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा आपका तरीका और मेरे तरीके में अंतर। ओके, अच्छा, तो यहाँ एक पजल के पास जाने से पहले यहाँ एक नोट लिखा हूँ, देखिए। ये जो है अंग्रेज़ी में है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। सम मिरेकल शोन बाय गॉड, मतलब ये इस नाम का ये किताब, सम मिरेकल शोन बाय गॉड, ये मेरा लिखा हुआ है। सम मिरेकल शोन बाय गॉड नरेट्स हाउ गॉड हेल्प्ड एंड रेस्क्यूड KS राव, मतलब मेरे को भगवान सीधा पास आके हाथ बढ़ा के ये लो बेटा करके बताया हुआ है। देखो, तुम्हारे सामने उस आदमी के मरने में चाहता नहीं, उसको निकाल देता है, या तुम्हारे को इस तकलीफ में फंस के रहना तुम्हारे कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं मानता, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा करके बहुत सारे बार ऐसा किया है। तो उन चीज़ों को कुछ, मतलब पूरे नहीं, कुछ चीज़ों को इस किताब में लिखा हूँ, तो इसको फिर पढ़ता हूँ। सम मिरेकल शोन बाय गॉड, दिस बुक नरेट्स हाउ गॉड हेल्प्ड एंड रेस्क्यूड KS राव फ्रॉम अदर्स बहुत मुश्किल परिस्थितियों से, ठीक है, इन क्रिटिकल सिचुएशंस, मतलब इन अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग मैनर सेवरल टाइम्स, बहुत बार। ये किताब जो है भगवान के बारे में है, मजहब के बारे में है नहीं, रिलीजन के बारे में नहीं, भगवान। देखिए, सारे इंसान को, सारी दुनिया के लिए, दुनिया के सारी जगत के लिए एक ही भगवान है। उसको या तो आप भगवान बोलिए, हरि बोलिए, शिवा बोलिए, अल्लाह बोलिए, या गॉड बोलिए, क्रिस्त बोलिए, एक ही मतलब है। तो ये अपने मजहब जो है ऐसा बांट लिए हैं कि देखिए, हिंदू लोग एक तरीके में प्रार्थना करते हैं, मुसलमान एक और तरीके में प्रार्थना करते हैं, क्रिश्चियन लोग और एक और तरीका। इन तरीक़ों की वजह से ही ये अपने रिलीजन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो बस ये सीधी बात है, तो इसलिए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। इसे बुक ऑन गॉड नॉट ए रिलीजन, मज़हब को इसके अंदर कहीं कहीं नज़र भी आए तो उसके नज़रअंदाज कीजिए और पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे कि ये जान के कि भगवान अपने, भगवान या आर्ट या गॉड या अल्लाह जो भी है, अपने को कितना करीब रहता है, कितना क्या बोलूँ, कैसे कैसे अपने को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसको आप पढ़िए। तो इसको मैं आपको, आप लोगों को फ्री भेजना चाहता हूँ। इसका सॉफ्ट कॉपी इस ईमेल आईडी पे आप मांगेंगे तो मैं तुरंत भेज दूँगा 24 घंटों के अंदर। अगर मान लीजिए किसी को ऐसे ही प्रिंटेड बुक चाहिए तो एक कुछ पैसे लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं, तो इसी मेल में आप लिखिए ये 100 रुपये मेरे को आप कैसे भेज सकते हैं, मैं तुरंत इसको बाई पोस्ट या बाई कुरियर भेज दूंगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, अभी तो ये कोविड, ये लॉकडाउन से चल रहा है, इसकी वजह से शायद अब जब तक ये, आज ही अपने मोदी साहब ने बताया 3 मई तक बढ़ाए हैं बल्कि, तो उसके बाद मैं इसको भेजूँगा। ओके, अच्छा, अब पहले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक बार समझा तो हाँ, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सुडोकू पजल। इसमें ऐसे ABC ऐसे 9 रोज़ होते हैं, और ऐसे 1, 2, 3 ऊपर जो लिखा है ना, ऐसे 9 कॉलम होते हैं और 9 बॉक्स ऐसे होते हैं। तो देखते हैं तो हर एक बॉक्स में 9 खाने रहते हैं, एक रो में भी 9 खाने,
एक कॉलम भी नौ खाने, टोटल 81 सेल्स, इसको सेल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो इन नंबरों को आधार, इनकी इन नंबरों के आधार से ये खाली जगह को भरना है, अपना काम यही है। कैसे भरना, एक ही रूल है, वो रूल ऐसा है कि किसी भी इसको भरने के बाद किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में या किसी भी बॉक्स में कोई भी नंबर 1 से 9 तक कहीं रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं रिपीट हो गया तो आप फेल हो गए। मतलब तो इस सुडोकू के लिए कोई क्लूज नहीं देते हैं, बाकी पजलों के लिए देते हैं क्लूज, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अपने जो भी क्लू है वही रूल ही क्लू है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 26 नंबर दिए हुए हैं, इसका खासियत ये है कि एक बीच का बॉक्स पूरा खाली छोड़ दिया है, और ये रो सी खाली है, ये रो जी भी पूरा खाली है। अच्छा अब चालू कर देते हैं। देखिए इस अपना तरीका है, ये टॉप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखते हैं, नंबर 1 2 बार दिख रहा है, मतलब यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ इस बॉक्स में इस रो में होना चाहिए। लेकिन नीचे एक ही बार क्रॉस चेक नंबर 1 दिखता है, मतलब एक नंबर यहाँ या यहाँ कहाँ लगाना चाहिए नहीं मालूम, इस वक्त छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 3 एक एक बार गया हुआ है, देखने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। उसके बाद 4 नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है, 6 है, 6 भी यहाँ कहीं लगेगा नहीं, यहाँ भी लगेगा नहीं, मतलब 6 नंबर ये दोनों जगह में कहीं लगना चाहिए। नीचे एक ही जगह क्रॉस चेक है, मतलब तो यहाँ या यहाँ 6 लग सकता है, इस वक्त हमको पक्का नहीं मालूम, छोड़ देते हैं। ओके फिर उसके बाद 7 नहीं, 8 भी ऐसे ही, 8 के लिए भी ये दो जगह मिलते हैं, देखिए ना, 9 एक बार है, छोड़ दीजिए उसको। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आते ही देखिए ये बहुत खाली खाली नज़र आ रहा है, फिर भी यहाँ एक अच्छा तरकीब ट्रिक है। यहाँ पर देखिए ये 2 5 और 8 नंबर इस बॉक्स में हैं, यही 3 नंबर इस बॉक्स में भी है, 2 5 और 8, और ये तीनों नंबर यहाँ भी और यहाँ भी इस रो ई को खाली छोड़े हैं, मतलब ये 2 5 और 8 यहाँ लगेंगे नहीं, ये यही नंबर यहाँ भी लगेंगे नहीं। इस रो ई को देखते हैं तो 2 5 और 8 इन तीनों जगह में ही लगना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं XYZ wing, XYZ मान लीजिए ना, XYZ wing। तो इसको पहले लिख लेते हैं, देखिए हाँ देखिए 2 5 8 में यहाँ ऊपर देखते हैं तो 2 और 5 भी यहाँ है ना, ऊपर में 2 ऊपर 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 और 5 यहाँ नहीं लगते, 2 और 5 यहाँ नहीं लगते, 2 और 5 यहाँ नहीं लगते, तो 2 और 5 के लिए ये 2 खाने मिलते हैं। एक जोड़ी बना लेता हूँ, बना करके यहाँ तीसरा नंबर किसके, ये तीसरी जगह किसके लिए, नंबर 8 के लिए है ना, साफ जाहिर है, नंबर 8 लिख लेते हैं यहाँ पर। ये पेन थोड़ा, ये मार्केट बंद है ना, इसलिए मैं स्केच पेन अक्सर यूज़ करता हूँ, वो आज नहीं है, तो मैनेज कर लेंगे आज के लिए, ठीक है सर। आगे अब ये इस पहले का मेन गेट है, पहले एक प्रपोजल का पोल खुल गया, इसको ध्यान में रखिए। हाँ आगे आगे हाँ, यहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस वक्त, यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 एक ही बार है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, नंबर 4 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये तीनों जगह में, इन तीनों जगह में कहीं लगना चाहिए, कहाँ इस वक्त नहीं मालूम, छोड़ दीजिए। फिर नंबर 5 6 एक बार है, 7 भी एक बार है, नंबर 8 देखिए ना, नंबर 8 के लिए एक 8 नंबर यहाँ दिखता है, एक नंबर 8 नंबर यहाँ दिखता है, तो तीसरा 8 नंबर इस स्ट्रिप के लिए और इस बॉक्स में अपने, और इस स्ट्रिप में भी तीसरा 8 जो है यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ 8, यहाँ 8, ये डबल डबल लिखता हूँ थोड़ा मोटा दिखने के लिए। ओके तो अच्छा, और 9 एक बार है, रहने दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। तुरंत हम इस तरफ देखेंगे ना,
देख रहे थे यहाँ क्या मिलेगा, देख रहे नंबर वन एक बार है, टू थ्री फोर फाइव भी एक बार है, सिक्स भी एक बार है, सेवन भी एक बार है, नंबर सिर्फ आठ तो हो गया। नंबर सात के लिए यहाँ एक जगह बनता है, देखिए नंबर सेवन के लिए यहाँ। ओके तो अब आगे कहाँ जाएंगे? हाँ ये यहाँ आठ लिखा है ना हम लोगों ने, ये आठ लिखने के बाद यहाँ देखते हैं तो देखिए ना यहाँ ऊपर, यहाँ एक आठ नंबर के लिए यहाँ जगह बनती है, देखिए ना लिख लेते हैं। ओके तो इसी हाथ से यहाँ देख लेते हैं ना इस बॉक्स को। हाँ यहाँ क्या है, वन टू थ्री है, फोर के लिए चार जगह है, मिलते हैं नंबर पांच के लिए ये दो जगह मिलते हैं, ठीक है ना। पांच नंबर यहाँ जो है यहाँ कहीं रिपीट नहीं होगा, इस बॉक्स में देखते हैं तो इन दोनों जगह में कहीं लगना चाहिए। अगर पांच नंबर यहीं लगना चाहिए तो यहाँ पर दो और पांच जोड़ी में पांच नंबर की क्या ज़रूरत है? तो इसको अपन तुरंत काट लेते हैं, और पांच अगर वहाँ होना है तो यहाँ नंबर दो लिखना चाहिए ना, दो लिख लेते हैं और यहाँ तुरंत पांच। ओके अब क्या होगा? फिर यहाँ आते हैं, देख के पाँच हो गया, छः हो गया, नंबर सात, सात के लिए जो कर दे दो जगह, आठ एक बार है, फिर नंबर नौ, देखिए नंबर नौ यहाँ लगेगा नहीं, नंबर नौ एक यहाँ पर है तो यहाँ भी लगेगा नहीं, इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर नौ के लिए एक ही जगह यहाँ मिलता है, ठीक। फिर ये तीन नंबर तीन तीन जगह कौन से देखते हैं ना, ये पाँच यहाँ पहले हम देखा ना, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर पाँच के लिए सिर्फ एक ही जगह रह जाता है, नंबर पाँच यहाँ, पाँच यहाँ, फिर ये दो जगह, ये चार और सात के लिए, सात यहाँ दिख रहा है बगल में दिख रहा है ना यहाँ पर, तो नंबर सात यहाँ लिख लेते हैं, नंबर सात यहाँ और नंबर फोर यहाँ। ओके अच्छा फिर क्या करेंगे, इस बॉक्स में एक बार फिर देखते हैं ना। हाँ यस, नंबर नौ यहाँ पर है, नंबर नौ हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये चारों जगह में लगेगा नहीं, नंबर एक नौ नंबर यहाँ क्रॉस चेक कर रहा है, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर नौ के लिए एक ही एक जगह मिलती है, मिल गया। ओके अब आगे कुछ हो सकता है क्या? नंबर वन टू थ्री फिर भी एक बार है, ओके फोर, फोर के लिए ये दो जगह, फाइव है, सिक्स सेवन एक ही बार नजर आ रहा है, नंबर एट है तीन बार हो गया, नौ तीन बार हो गया, छोड़िए। तो यहाँ देखते हैं इस बॉक्स में क्या होगा, अभी इसको देखा नहीं देखेंगे। ओके इस बॉक्स में कुछ हो सकता है क्या? नंबर वन टू थ्री एक ही बार है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके ओके ठीक है। अच्छा हाँ देखिए इस रो जे में देखते हैं तीन खालियाँ खाली हैं ना, तीन खाने खाली हैं इस वक्त, वो कौन से नंबर के लिए? नंबर टू थ्री एंड फाइव, टू थ्री एंड फाइव में ऊपर देखते हैं तो टू और पाँच ऊपर देखते हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए? नंबर तीन, यहाँ नंबर तीन आना चाहिए। इसको इस ट्रिक को मैं बार बार आपको दिखाते आ रहा हूँ, इसको अभी अभी दो दिन पहले ही इसको एक नाम दिया हूँ, इसका नाम दिया हूँ टू बाई थ्री ट्रिक। इसको याद चीज़ को याद रखिए, कहीं ऐसे तीन जगह खाली मिलते हैं किसी रो में या किसी कॉलम में या किसी बॉक्स में, तीन खाली जगह मिलते हैं कभी भी, उनमें किसी एक जगह में दो नंबर नहीं बैठ सकते तो तीसरा नंबर बैठना चाहिए, उसको नाम दिया है
कि 2/3 ट्रिक कहीं लिखूं क्या? क्या ज़रूरत है, आप याद रखिए ना, 2/3 से 2/3 से ये तीन जगहों में दो नंबर यहाँ लगेंगे नहीं तो तीसरा नंबर यहाँ लग जाएगा। ये बहुत ख़ास नंबर है, याद रखिए। ओके, फिर ये भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, दो नंबर यहाँ पर है तो नंबर दो यहाँ लगेगा। फिर यहाँ क्या है, J9 में नंबर 5। हाँ, अरे इसी तरह ऊपर भी भर सकते हैं शायद। हाँ, यस, देखिए ना, हाँ ये यहाँ दो जगह खाली हैं रो ए में, तो ये कौन से नंबर के लिए? 1, 2, 3, 4 एंड 7। 7 यहाँ दिखता है, 7 यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं नंबर 7 यहाँ और 4 यहाँ। हाँ, तो अभी आप देखा है क्या, ये 786, 786 हमारे मुसलमान भाई बहुत अहमियत देते हैं इस नंबर को, बहुत पाक मानते हैं, और इसका मतलब है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मतलब, लेकिन मैं किसी वीडियो में देखा हूँ कि कुछ लोग नहीं मानते, किसी ये अरबी अल्फाज के लिए कोई कोई नंबर दे दिया, उसको जोड़ने से क्या अल्लाह का नाम या बिस्मिल्लाह बनता है क्या, पूछते हैं कुछ लोग। तो खैर, उसके बारे में चिंता की बात नहीं है, इस नंबर को मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैं बताया आपको नंबर 7 बराबर लिख देता हूँ। हाँ, एक आध वीडियो में मैं ये भी देखा कि कुछ हिंदू लोग भी बोलते हैं कि ये महाविष्णु, ये लक्ष्मी और ये कुबेर, तो उसको भी मानते हैं। ठीक है, ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये कॉलम है, इस कॉलम को देखते हैं एक बार। 1 है, 2, 2, 3, 4 एंड 9। नहीं, 2, 9, ओके। इस कॉलम में कुछ होता है क्या, देखेंगे ना, यहाँ 1, 2, 3, 4 खाने खाली हैं। हाँ, देखिए ना, नंबर 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लगेगा नहीं, 4 यहाँ है यहाँ लगेगा नहीं, तो इस कॉलम को देखते हैं तो नंबर 4 यहाँ लगना चाहिए, और एक नंबर ये जो है यहाँ लगेगा नहीं, तो नंबर 1 यहाँ लिखना चाहिए ना, लिख देते हैं नंबर 1 यहाँ। ओके, नंबर 1 यहाँ, कुछ मोटा कर देते हैं उसको, ये 4 नंबर को भी कुछ मोटा करेंगे क्या? ठीक, ओके ओके। अब यहाँ क्या बनता है, देखिए, 1, 2, 3 एंड 6, 6 यहाँ जो है, नंबर 6 को यहाँ लिख लेते हैं और नंबर 3 को यहाँ। ओके, अब ये दो जगह कौन से, ये दो जगह कौन से नंबर के लिए, कुछ बनता है क्या? नंबर 2 और 5 यहाँ कहीं नहीं है, कोई क्रॉस चेक 2 और 5 का नहीं है, छोटे में हम लिख लेते हैं 2 एंड 5। ओके, सॉरी, इसको बराबर याद रखिए, कहीं मिक्स ना हो, मेरे को भी याद रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब इस कॉलम के बारे में फिर देखते हैं। देखिए, यहाँ नंबर 2 चाहिए 3 चाहिए 4 और 9, 2, 3, 4, 9। ओके, तो इस सेल को देखिए, यहाँ 2 नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 9 लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या लगना चाहिए? नंबर 3। इस ट्रिक को भी अभी ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, तो अब इस बॉक्स में सिर्फ 3 खाने अब खाली हैं, अब ये कौन से नंबर के लिए, देखिए ना, नंबर 1, 6 और 9। नंबर 1, 6 एंड 9, इन तीनों जगह के लिए 1, 6 और 9 में 1 ऊपर है, 6 नीचे है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए? नंबर 9। यस, फिर देखिए, ये 2/3 ट्रिक यहाँ भी, 2/3 ट्रिक यहाँ भी काम है अपने के लिए, अपने लिए। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए ना, यहाँ इसको भी फिर
देखिए ध्यान रखिएगा इसको इसको, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, सीधा साधा सिंपल ट्रिक है, बहुत काम आता है। ये दो जगह कौन से नंबर के लिए देखते हैं ना, नंबर 1 और 6, 1 और 6 का यहाँ कोई क्रॉसचेक नहीं है, तो यहाँ जोड़ी लिख देते हैं एक बना करके दो जगह में, 1 और 6, 1 और 6, ओके 1 और 6, 1 और 6, ओके। अब ये दो जगह कुछ बनते हैं क्या, देखते हैं यहाँ पर, हाँ हाँ 1, 2, 3 और 9, 3 और 9 में यहाँ कोई क्रॉस चेक नंबर 3 का या 9 का नहीं है, ओके तो उसके भी लिख लेते हैं छोटे में, 3 और 9, 3 और 9, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, मैं देख लेना सर, हाँ ओके। अब ये दो जगह कुछ बनता है क्या, इसी बॉक्स में देखते हैं ना, हाँ हाँ 2 और 4 चाहिए, 4 यहाँ पर है तो 4 वहाँ 2 यहाँ, तो इसको हम करीब करीब भर दिए, ये जोड़ियाँ जो है पेयर्स रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, बाद में हम उसको भी ख़त्म करते हैं। यहाँ एक बार देखते हैं इसको, इस बॉक्स को, 1 दो जगह 2, हाँ देखिए ना 2 यहाँ पहले से है, 2 हमने यहाँ लिखा है, अभी भी थोड़ी देर पहले 2 लिखा है यहाँ पर, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 2 यहाँ मिलेगा। अच्छा फिर ये तीन जगह कौन से, नंबर 1, 6 और 7, 1, 6 और 7, 1 यहाँ है, 7 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कुछ बनता नहीं, ये 2x3 ट्रिक भी लगेगा नहीं, क्योंकि 1 इस जगह को रोकता है, 6 इस जगह को रोकता है, 7 इस जगह को रोकता है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, सॉरी 1 यहाँ है तो 6 और 7, 6 वहाँ है तो 1 और 7, यहाँ 7 है तो 1 और 6, ओके लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे क्या, अच्छा एक ये 3 लेन जो ख़त्म हो गए, ये यहाँ भी कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं ना, हाँ होता है ज़रूर, ये नंबर नंबर 1 यहाँ, दो जगह मिलते हैं नंबर 1 के लिए, 2, 3 नहीं है, 2 है, 3 कहीं इधर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर 4 के लिए देखें ना, नंबर 4 यहाँ जो है इन दोनों जगह में लगेगा नहीं, यहाँ 4 है यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ 4 है यहाँ लगेगा नहीं, तो नंबर 4 के लिए B1 एक ही एक जगह मिलता है, ठीक ओके। फिर यहाँ क्या चाहिए, 1, 3, 5, 6, 1, 1 नहीं, ओके ठीक है, हम इस बॉक्स को देखते हैं एक बार, हाँ यस यहाँ भी एक मिल रहा है, नंबर 4 मिल रहा है, देखिए ना नंबर 4 यहाँ लिखे हैं हम लोगों ने, नंबर 4 यहाँ पहले से है, लाल यहाँ लिखे थे हम लोगों ने, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 4 के लिए ये जगह बनता है ना, ओके। फिर ये दो जगह भर सकते हैं क्या, देख लेते हैं, यहाँ 1 और 6 चाहिए, यस बाकी सब है, 6 नंबर ऊपर दिख रहा है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ नंबर 1 बनेगा, ओके। फिर देखिए ना यहाँ 6 लिखते ही ये नीचे क्या होगा, यहाँ पर नंबर 1 और ये नंबर 1 यहाँ लिखते हैं, बगल में नंबर 7, फिर ये नंबर 6, ये 6 लिखने के बाद इस कारण नंबर 6 में एक ही एक जगह रह गया, तो देखते हैं वो कौन से नंबर के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 7 यहाँ लिख लेते हैं, फिर ये दो जगह बनते हैं क्या, देखिए 1, 2, 3 और 4, यस 4 यहाँ जो है, 4 यहाँ लिख लेते हैं, 3 यहाँ, ओके। तो ये मिडिल वर्टिकल स्ट्रिप में भर दिया हम लोगों ने, अच्छा गुड। अच्छा फिर अब क्या करेंगे,
इस वक्त से एक बार देखेंगे ना, 1 2 है, 3 इधर उधर अभी आया नहीं, ओके 4 है, 5 5 के लिए ये दो जगह मिलते हैं, 6 6 ये दो जगह, 7 सात ऊपर जो है यहाँ लगेगा नहीं, 7 एक यहाँ लिखा है 9, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर 7 हो गया, फिर ये 4 और ये फिर देखते हैं इसको, 1 2 3 तो नज़र नहीं आ रहा है, 4 है, 5 वही वही मामला, कोई बदली नहीं हुआ, 6 ना, 7 है, 8 है, 9 नौ के लिए देखे, ओके ठीक। ये रो डी में देखे ना, यह दो खाने खाली हैं, यह ये दो जगह, नंबर 1 यहाँ दिख रहा है तो यहाँ 1 लिख नहीं सकते, यहाँ लिख सकते हैं ना, तो यहाँ इसको कर देते हैं, नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, इसको 6 करेंगे, फिर इसको भी यहाँ 6 कर देते हैं, वहाँ 6 लिखते ही नीचे देखते हैं तो यहाँ आइए ना, ये नंबर 6 के लिए ये जगह मिलता है। अब आगे इसी बॉक्स में देखते हैं, यहाँ चाहिए नंबर 3, नंबर इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिला लिया, 3 हो गया, ठीक है, 3 5 and 9, हाँ तो 5 यहाँ जो है, 5 ऊपर भी दिख रहा है ना, तो नंबर 5 यहाँ मिलेगा, यहाँ बैठ जाएगा, और 3 और 9 अभी 9 ऊपर दिख रहा है तो 9 नंबर यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ नंबर 3 हो गया, यहाँ 3 लिखते हैं, इधर देखते हैं तो इस जोड़े को काट सकते हैं ना, इसको 9 बनाइए, इसको 3 कर देते हैं, हो गया, तो ये भी भर गया। अब क्या रह गया, इस बॉक्स को बहुत देर से हम लोगों ने देखा नहीं, अब देखते हैं, नंबर 1 के लिए दो जगह, नंबर 2 के लिए ये दो जगह थे क्या ना, फिर नंबर 3 के लिए बहुत जगह है, ये दो जगह है, 4 है, 5 5 के लिए ये मिलता है, देखिए ना 5 यहाँ लिखा है हमने, अब पहले से 5 नंबर यहाँ पर है, तो नंबर 5 के लिए ये जगह कायम हो जाता है, 5 यहाँ लिखते ही यहाँ पर नंबर 2 एंड यहाँ पर नंबर 5, ओके, फिर अब क्या ये चार जगह भर सकते हैं शायद, हाँ देखिए ना, नंबर 1 यहाँ है, नंबर 1 यहाँ है, तो अगला नंबर 1 यहाँ मिलेगा, ओके, फिर नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 2 यहाँ नंबर 2 है, यहाँ भी नंबर 2 है, तो इस बॉक्स में देखते हैं तो नंबर 2 के लिए ये जगह बनता है, देखिए ना, फिर ये दो जगह कौन से नंबर के लिए, साफ जाहिर है नंबर 9 यहाँ पर है, नंबर 9 यहाँ लिख देते हैं, फिर आखिरी नंबर इस बॉक्स के लिए नंबर 3, हाँ ओके, अब रह गया क्या ये 3 खाने, उसको ठीक है, यहाँ क्या चाहिए, नंबर 1 चाहिए, नंबर 1 यहाँ है, नंबर 1 यहाँ है, ये नंबर 1 यहाँ, फिर 2 है, 3 नंबर 3 ऊपर दिख रहा है, नंबर 3 यहाँ, और आखिरी नंबर इस पजल के लिए नंबर 7 यहाँ, एक क्विक चेक कर लेते हैं, इन तीनों नंबरों को चेक करेंगे, नंबर 1 यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 यहाँ, यहाँ और यहाँ, 7 यहाँ, 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 इस तरह डायरेक्शन में भी 1 1 1 7 7 7 3 3 3, ओके, पहली बराबर हल हो गया। तो इसको ये एक 26 नंबर वाला मुश्किल पहली थी, लेकिन ये पोल पहल का पोल, मतलब राजस्थान में बोलते हैं पोल करके मेन गेट को, तो इसको हमने पहले इसको इस ट्रिक को पकड़ा, XYZ ट्रिक को, उसके बाद ना ये 2x3 ट्रिक दो बार देखा है, तो इन चीज़ों की वजह से बड़ी आसानी से हम लोगों ने हल कर लिया। आप पहले जो लिख के रखा है उसको अपने आप अब भी ट्रिक कीजिए और आप हल कर सकते हैं, करने के बाद भी इसको देखिए, अगर कुछ अंतर है तो आपको
मालूम पड़ जाएगा, आप बड़ा जल्दी सीख जाएंगे, पूरे एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो और क्या चाहिए, हो गया ना। तो दैट्स अबाउट द पजल एंड दिस बुक ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू ऑल।